पार्ट टू देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाई यार जो उन्होंने देखा वो रियल था। लेकिन गाइस यार बस यही तो बात है ना कि वीडियो ऐसी बनाओ कि देखने वाला अचंभित हो जाए, हैरान हो जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए। हाँ, कुछ लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं, पार्ट थ्री के अंदर उन सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो गाइस यार ये चीज तो मैंने पार्ट वन में भी आपको बोली थी यार कि मैं तो क्या अभी तक कोई भी ब्लैक होल नहीं बना सका, क्योंकि गाइस यार ब्लैक होल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर किसी को ब्लैक होल बनाना है तो उसे पृथ्वी जितने बड़े ऑब्जेक्ट को एक बॉल के आकार में कंप्रेस करना होगा, तब जाके हो सकता है कि वहां पे ब्लैक होल क्रिएट हो जाए। ये चीज इतनी ज्यादा मुश्किल है, ये इतनी ज्यादा टफ काम है। लेकिन गाइस यार उसके बाद भी भले ही हमारे पास बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज नहीं है, कोई बड़ी लैब नहीं है, कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है, उसके बाद भी हमने कोशिश करने की सोची। एटलीस्ट यार हम एक ट्राई तो कर ही सकते हैं और उसी कोशिश को अपन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। वैसे तो यार गाइस एप्पल का पेड़ से टूट के गिरना एक साधारण सी बात है, लेकिन वहीं पर कोई एक इंसान उसी साधारण सी बात को लेके पूरी साइंस को ही बदल के रख देता है, और आप भी जानते हैं कि वो इंसान कौन है। और गाइस यार साथ साथ आप ये चीज भी अग्री करते हैं कि यार कि आपने पार्ट टू के अंदर जो भी चीजें देखी वो सारी अमेजिंग थी। बस फर्क इतना है कि कुछ लोगों को उस बात पे यकीन नहीं हो रहा है और वो उस चीज को फेक बोल रहे हैं। तो चलो आ जाओ उसका भी प्रूफ देते हैं आपको। तो देखो ये वाला जो फ्रेम था, ये वाला देखो, ये वाला इस वाले फ्रेम के अंदर लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये रियल नहीं है, इसके अंदर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है यार गाइस। यही सेम शॉट अब मैं आपको दूसरे एंगल से, जो दूसरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था उससे दिखाता हूँ। देखो फास्ट नंबर आ गए गाइस, मैंने अपने आप को रस्सी से बांध रखा है क्योंकि जैसे जैसे ब्लैक होल बड़ा होगा, गाइस मैंने अपने आप को रस्सी से बांध रखा है क्योंकि जैसे जैसे ब्लैक होल बड़ा होगा, सेंटर के अंदर इसकी जो ग्रेविटी है, इसका जो खिंचाव है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होता जाएगा। सेंटर के अंदर इसकी जो ग्रेविटी है, इसका जो खिंचाव है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होता जाएगा। थोड़ा पीछे गाइस अभी आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा हो गया है और मैं जो है इसके हल्का हल्का पास में जा रहा हूँ और उन्हें खींच बच्चे गाइस सेंटर के अंदर नहीं जाना है कभी भी। ये देखो सेंटर के अंदर नहीं जाना है, ये देखो गाइस किस तरीके से, ओ भाई सेंटर से दूर रहना है बस। सिर्फ यही नहीं गाइस, बल्कि पूरी वीडियो ही रियल है यार, कोई वीएफएक्स नहीं है, कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं। गाइस मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट को हमें एक महीना लगा, एक महीने तक हम रेगुलर शूट कर रहे थे। ये देखो कितना 423 GB गाइस, हमारे पास 423 GB का डेटा था और उसमें से हमें बस निकालना था 8 मिनट का फुटेज। फिर हमने सोचा कि जो सबसे बेस्ट है वही लोगों को दिखाते हैं। और गाइस यार अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ उसी शॉर्ट्स की अगर अपन बात करें तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट था वो दिखना भी। गाइस यार ये वाली चीज दिल को छू गई थी। इसके अंदर फर्क इतना है कि ये अलग कैमरा एंगल से लिया गया है, ये तिरछे एंगल से, ताकि आपको वो फील हम दे सके, और वो फील आ रहा है यार। देखो तो सही कितनी कमाल के तरीके से सारी चीजें ऑर्बिट कर रही है और बीच में यहाँ पे आपको ब्लैक होल दिख रहा है, ये देखो। तो ये वाला जो शॉट है इसके लिए लोग हमें कह रहे थे भैया यार कि इसे जो है आप ड्रोन से हमें दिखाते। भैया ये ड्रोन का ही फुटेज है, एक्चुअली में हमारा ब्लैक होल ही इतना बड़ा है, इतने बड़े ब्लैक होल के अंदर ये चीज क्रिएट हो रही है कि देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये छोटी है। इसी सेम शॉट को आपको दूसरे कैमरा एंगल से दिखाता हूँ, वो देखो आपको तब बिलीव होगा। जी क्या आपको यकीन नहीं होता ये रियल है? ये देखो ये हमारा ब्लैक होल है और ये इसके अंदर इतना बड़ा क्रिएट हो रहा है। ये देखो जरा इन संरचनाओं को देखो, ये देखो जैसा लग रहा है कि स्टार्स हो। क्या आप भी आप कहेंगे कि ये VFX और ग्रीन स्क्रीन है? ये वाला शॉट गाइस, ये वाला अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रॉ क्लिप। ये देखो रॉ, इसके अंदर हमने छोटा सा ही शॉट डाला है और ये रही हमारे पास इसकी रॉ क्लिप। ये देखो ये रॉ है, कलर ग्रेडेड है लेकिन रॉ है, और ये हमारे पास काफी लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है। ये वाला शॉट गाइस देखो, ये वाला भाई साहब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स हैं, है ना, और कई सारे प्लैनेट्स के चारों तरफ रिंग है या फिर कोई गैलेक्सीज है। देखो ये सब, ये जो डॉट्स हैं आप इन्हें स्टार बोल सकते हैं, और ये रहा सेंटर के अंदर ब्लैक होल। और इस इमेज को देखने के बाद लोगों को सच में यकीन नहीं हुआ कि ये रियल, भाई ये रियल है, बस फर्क इतना है कि ये क्लोजअप्स हैं।
ऐसा नहीं है कि हमारे पास इससे के अलावा और शॉर्ट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट हैं, लेकिन मेरे पास और भी कई सारे चैनल्स हैं, तो जो भी बेस्ट बेस्ट शॉर्ट्स मुझे लगेंगे मैं उन चैनल्स पे अपलोड कर दूंगा। जो मेंबर्स ओनली उनके लिए तो मैं वैसे भी जो रॉ क्लिप्स है वो अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन आपके लिए भी मैं जो दूसरे चैनल है जो जो अच्छी क्लिप है, एक तो क्लिप इतनी शानदार है उसके साथ में मैंने एक संस्कृत का सॉन्ग लगाया है, उसे सुनना दिल को सुकून आ जाएगा। ठीक है, इसको अब साइड में रखते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई यार ये ब्लैक होल नहीं है, ये वर्लपूल है। हाँ, आप इसे वर्लपूल कह सकते हैं। मुझे बताया कि आपने भी अपने बचपन के अंदर बहुत सारे वर्लपूल बनाए होंगे, बहुत शैतान है, सभी लोग होते हैं, सबने किया है। लेकिन गाइस यार हमारी जो चीज़ है वो वर्लपूल से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यार जो वर्लपूल होते हैं वो नेचुरली क्रिएट होते हैं, जैसे जैसे पानी का लेवल अप एंड डाउन होता है उनका साइज भी छोटा या फिर बड़ा होता है, लेकिन हमारी जो चीज़ है वो पूरे तरीके से हमारे कंट्रोल में है, वो एक पूरा लूप है। अगर हमने एक बार उस मशीन को स्टार्ट कर दिया और वो चीज़ बनना स्टार्ट हो गई तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक हम उसे बंद ना करें या फिर लाइट्स ना चली जाए। जिसे आप वर्लपूल कह रहे हो, उसी वर्लपूल के अंदर हमने वो सारी कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश की जो कि थ्योरेटिकली हमें ब्लैक होल के बारे में पता है, वो सब हमने उसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे कि ग्रेविटी, जब मान लो कहीं पे पानी लीक हो रहा हो, वहां से पानी निकल रहा हो, अगर आप उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि आपके हाथ पे वहां पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारी ये जो मशीन है इसके अंदर हमने 4 मोटर 5-5 हॉर्स पावर की लगाई है, तो अब आप सोच सकते हैं कि 10,000 लीटर पानी प्रति मिनट की रफ्तार से उस छेद के अंदर से जा रहा है नीचे ग्राउंड के अंदर, तो वहां पे कितना ज्यादा सक्शन होगा, वहां पे कितनी ज्यादा पावर होगी, कितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। और यही बात है कि काफी सारे शॉर्ट्स के अंदर हम उसके पास भी नहीं गए भाई, क्योंकि उसका छेद ही इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक इंसान भी आ जाए और गलती से हमसे कुछ भी मिस्टेक हो जाए, चाहे कैमरामैन से चाहे मुझसे, कौन रिस्क लेगा भाई, सीधा जाएगा अंडरग्राउंड। आपको लगता है हमने नहीं किया होगा, हमने किया। जैसे ही पूरी वीडियो खत्म हुई ना, सब कुछ हमने कहा अब अपने पास जितने भी शॉर्ट्स लेने थे वो सब हमने ले लिए। उसके बाद में हमने उस मशीन को जैसे ही लाइट गई उसको बदल दिया स्विमिंग पूल के अंदर। ठंडे भाई ठंडे, शाम का टाइम है लेकिन हम तो नहाएंगे। बहुत ठंड है यार। हम इसके अंदर अभी इसलिए ना पा रहे क्योंकि लाइट्स गई हुई है, और जब तक लाइट्स नहीं आएगी तो हम इसे ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैनुअली हम इसके अंदर ब्लैक होल दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है, मैनुअली बनाते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ओए, कोई भी सेंटर में नहीं आएगा। ऑलराइट गाइस, तो चलो इस मशीन को मैनुअली ऑपरेट करते हैं। जैसे ही वॉल्व हटे अपने को पीछे की तरफ भागना है। 1 2 गाइस आप देख सकते हैं बन गया ब्लैक होल, वो भी मैनुअली। ओए तेरा के देखे, ओए ओ भाई, ओए साला रुक जाओ, ये सारी चीजें ब्लैक होल में देख रहे हैं एक दूसरे की। देखो गाइस, इसके अंदर कोई भी चीजें अगर जाती है इस तरीके से राउंड राउंड होती है और फिर ब्लैक होल के अंदर दस जाती है कोई और चीज तो ना। गाइस ये कपड़ा मैं फेंक के देखता हूं, देखना। ओ गया गाइस, ये देखे पहनेंगे क्या? गाइस अभी मेरे पास ये टेडी बेयर है और इसे मैं फेंकता हूँ, देखना क्या होता है। ठीक है, ये गया एक, अबे ये दो, देखो किस तरीके से ब्लैक होल के अंदर चीजें समाती जा रही है। अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि हमें से अगर कोई इसकी चपेट में आ गया देन खत्म। ये दो गाइस, ये देखो आवाज सुनो, आवाज इधर दो, मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ, देखना आवाज सुनना आवाज। अगर लाइट्स आ रही होती रेगुलरली तो क्या होता कि
ये इस तरीके से खत्म नहीं होता, ये सर्कल चलता जाता चलता जाता चलता जाता, हमारा ब्लैक होल कंटिन्यू रहता। चप्पल और भागती। अरे मारी तो चाहिए। अरे मारा दो जैकेट दो ही पका दिया। अरे समझो बाकी। अरे उसमें मेरा फोन था। मैं बेवकूफ आदमी। गाइस ये जो देख रहे हो ना ये भी बिल्कुल रियल है। गाइस यार अब मुझे भी अच्छे से पता है कि हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यार देखो मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उन्हें मुझसे भी ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता है, जो कि हो सकता है कि स्टडी भी कर रहे हो रिसर्च भी कर रहे होंगे। तो अब आप मुझे बताओ यार कि आपको भी पता है कि रियल ब्लैक होल की कोई भी इमेज लेना या फिर उसका वीडियो शूट करके किसी को दिखाना ये प्रैक्टिकली अभी तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है यार कि चीज़ें हमें तब दिखाई देती है जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के अपनी आंखों में गिरती है, तब हमें वो चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन ब्लैक होल के अंदर तो ऐसा है ही नहीं यार, उसके अंदर अगर लाइट जाती है तो वो वापस आती ही नहीं है, ब्लैक होल उस लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है, इसीलिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि अपन ब्लैक होल की कोई इमेज निकाले या फिर कोई वीडियो बनाए। अभी तक अपने पास सिर्फ एक ही फोटो ऐसी है जिसे अपन रियल ब्लैक होल की इमेज मानते हैं, जिसे कि वैज्ञानिकों ने न जाने कितने ज्यादा पैसे खर्च करके या फिर कितनी रिसर्च करके खींचा है या फिर अपन सबको दिखाया है, ये वाली इमेज। गाइज़ यार ऑब्वियस सी बात है यार, हमने जो चीज़ बनाई है वो कोई रियल ब्लैक होल तो नहीं है, क्योंकि यार आपको भी पता है कि रियल ब्लैक होल कितनी खतरनाक चीज़ होती है, वहाँ पे तो फिजिक्स के लॉज भी काम नहीं करते हैं, और जितना भी हम आज तक ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं वो सारी चीज़ें बस थ्योरी के अंदर है, प्रैक्टिकली हमें भी नहीं पता है, और हमने तो बस उसे सिमुलेट करने की कोशिश की, हमने कोशिश की कि यार कि थ्योरेटिकली जितनी भी कंडीशंस को हम फुलफिल कर पाएँ उतनी हमने करने की कोशिश की। और साथ ही साथ यार गाइज़ ऐसा करने वाले हम अकेले इंसान नहीं है, बकायदा यार गाइज़ जो हमने चीज़ बनाई है ना वो चीज़ एक लैब के अंदर भी बनी हुई है, बकायदा एक लैब है जिसके अंदर काफी लोग इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि यार मे भी सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मे भी यार ब्लैक होल के अंदर ऐसे चीजें काम करती होगी या फिर ऐसा होता होगा या फिर वैसा होता होगा। दो वीडियोस के लिंक मैं आपको देता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिन्हें देखने के बाद हो सकता है कि आपके अंदर अगर और भी कुछ डाउट है कि क्यों हमने इसे ब्लैक होल मशीन कहा, क्यों हम इसे ब्लैक होल बोल रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें देखने के बाद आपके डाउट फुलफिल हो जाए। गाइस यार हमने तो बस इतनी सी कोशिश की यार कि जो भी चीजें आप सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड देखते हो या फिर जो भी आप ये सारी चीज देखते हो हम उसे आपको रियल में दिखाएं, कि यार हमने रियल में वो चीजें क्रिएट करके आपको दिखाई है। और जो भी था यार मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूँ यार कि मैं मतलब आपको कुछ भी दिखा दूंगा, जो भी दिखाऊंगा यार वो हमारा पर्सनल होगा, हमने खुद शूट किया होगा और कोशिश यही रहेगी कि सब कुछ रियल ही रहे। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। अब देखो